बड़ा झटका, घबरा गए केजरीवाल। जज साहब ने एक मिनट में सपना कर दिया चकनाचूर। अंतरिम जमानत पर खेल, केजरीवाल की रणनीति फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है, जिसने सीएम साहब की नींद तक उड़ा दी है। दरअसल केजरीवाल ने चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग कर डाली। जमानत के लिए गंभीर बीमारी यानी कैंसर होने की आशंका तक का हवाला दिया गया। केजरीवाल को लगा बीमारी गंभीर है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसे गंभीरता से और जल्दबाजी में लेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसे सुनकर केजरीवाल की हालत ही खराब हो गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की राहत वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने याचिका में 7 दिन अंतरिम जमानत और बढ़ाने की मांग की थी। याचिका में केजरीवाल ने बीमारी का हवाला दिया था, तो केजरीवाल की आस को सुप्रीम कोर्ट ने चकनाचूर कर दिया है और बात भी साफ कर दी है कि 2 जून को केजरीवाल को किसी भी हाल में सरेंडर करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, तो चलिए पहले विस्तार से बताते हैं। दरअसल केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च अदालत की अवकाशकालीन बेंच से केजरीवाल को राहत देने की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका देखते ही केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि याचिका तब क्यों नहीं दायर की गई जब पिछले सप्ताह मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता बैठ रहे थे। अब चीफ जस्टिस ये तय करेंगे कि इस केस की कब और कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में अब इस याचिका पर संज्ञान लेने से साफ मना कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी के अरमानों पर पानी फिर गया है। अब किसी भी हाल में सीएम साहब को वक्त पर सरेंडर करना होगा, यानी 1 जून तक राहत है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा, फिर चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो। तो चलिए ये भी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने याचिका में क्या मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल ने याचिका में क्या मांगी। मेडिकल ग्राउंड पर केजरीवाल ने 7 दिन और जमानत की मांग की। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल को अभी PET सिटी स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट करवाने की सलाह दी गई है। इस टेस्ट को करवाने और उनके रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिनों की जरूरत पड़ेगी। कहा गया कि केजरीवाल की बीमारी इतनी गंभीर है कि उनकी किडनी के खराब होने के साथ ही कैंसर तक का खतरा है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनका वजन 7 किलो कम हो गया था, वजन अभी रिगेन नहीं हो पाया है। टेस्ट में उनका कीटोन लेवल काफी हाई आया है। तो खैर, जिस तरीके से सरेंडर से कुछ दिन पहले याचिका लगाई गई उस पर सियासत जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। जैसे ही याचिका पर बीजेपी ने सवाल उठाए वैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता माहौल बनाने बैठ गए कि केजरीवाल की गंभीर बीमारी का बीजेपी मजाक बना रही है। क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने तो ये बात मुख्यमंत्री जी के वकील की तरफ से कोर्ट में भी कही गई थी कि जब से उनको कस्टडी में लिया गया 15 मार्च से, तब से लगातार उनका जो वजन है वो घट रहा है। तिहाड़ में भी उनका वजन घट रहा था और बाद में जब वो दिल्ली में अपने घर भी आ गए हैं तब भी उनका वजन जो है वापस वो रीगेन नहीं कर रहे हैं, जो कि जनरली काफी चिंता का विषय होता है। कई टेस्ट उन्होंने कराए मगर डॉक्टर्स की राय ये है कि उनको 2 चीजें, एक तो वजन का घटना और दूसरा कीटोन का हाई लेवल होना, इंडिकेट करता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो। और उसको रूल आउट करने के लिए एक तो उनके किडनी और उनके पेट स्कैन कराने की बात हो रही है, जिसके अंदर कैंसर का टेस्ट जो है पूरी बॉडी का किया जाता है। मुझे लगता है कि गंभीर बीमारी है, हम इस बात को लेकर चिंतित भी हैं, तो इन टेस्ट को कराने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए उनके बहुत सारे नेता कम उम्र में, अपनी उम्र से पहले किसी न किसी बीमारी के कारण गुजरे, चाहे वो अरुण जेटली हों, चाहे वो सुषमा स्वराज हों, मनोहर पारिकर हों और हाल ही में सुशील मोदी हों, और हमने कभी किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया और देश में किसी पार्टी ने नहीं उड़ाया। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि आप इस चीज से बचिए। और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर लगातार लगते रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी इंसुलिन को 15 दिन तक रोका गया, झूठ बोल के रोका गया कि उनको स्पेशलिस्ट देख रहे हैं और बाद में पता चला कि शुगर के स्पेशलिस्ट नहीं थे, और जब कोर्ट के आदेश पर एम्स के स्पेशलिस्ट ने उनको देखा तो उन्होंने भी कहा कि इनको इंसुलिन की जरूरत थी, आप इनको इंसुलिन दीजिए। और ये बात सब कहते हैं, गूगल करके देख सकते हैं आप,
किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अगर लगातार शुगर हाई रहे और आप इंसुलिन ना दें तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, इन पे ऐसे असर हो जाते हैं कि आप पूरी जिंदगी बीमार रहते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी की हेल्थ के लिए बहुत चिंतित हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये षड्यंत्र किया, हो सकता है उनके ऑर्गन्स को खराब करने के षड्यंत्र के तहत उनकी इंसुलिन केंद्र सरकार ने बंद की और उनको मारने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी। खैरक सौरभ भारद्वाज बीमारी का ठीकरा भी बीजेपी के सिर फोड़ रहे हैं। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाने शुरू किए, वैसे ही बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने कहा कि केजरीवाल का जेल में भी ठीक इलाज होगा, तो वो घबराए नहीं बल्कि जेल में जाकर अपना इलाज करवाए। तिहाड़ जेल में आपको ना जाना पड़े इसलिए एक हफ्ते की मोहलत और मांगी है जी, और आपने उस मोहलत में कहा है जी कि आपको सिटी स्कैन कराना है जी। केजरीवाल जी, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप चिंता मत करिए केजरीवाल जी, आप हमारे मुख्यमंत्री है जी, और जिस तिहाड़ जेल में आपको 2 तारीख को भेजा जाएगा जी, उससे जस्ट 2 मिनट की दूरी पे दिल्ली सरकार का बहुत ही बड़ा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है जी, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है जी, जो हरिनगर के अंदर आता है जी। और इसका नाम आप तो जानते हैं जी कि दिल्ली की जो वर्ल्ड क्लास सेवाएं हैं उसका जिक्र फोर्ब्स और इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी आया है जी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं केजरीवाल जी कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से तिहाड़ जेल में रहिए और वहां से 2 मिनट की दूरी पे दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है जी, जहां आपके सारे टेस्ट मुफ्त हो जाएंगे जी। इसलिए आप बेझिझक 2 तारीख को तिहाड़ जाइए जी, और दिल्ली सरकार के जो सरकारी अस्पताल है दीनदयाल उपाध्याय, उसमें आराम से टेस्ट कराइए जी। धन्यवाद जी। खैर, अब कोर्ट में इस मामले पर कब सुनवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी केजरीवाल चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें सरेंडर करना है। इसके बाद ईडी भी सख्ती बढ़ाने की तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में अब केजरीवाल की इस याचिका पर सवाल ही उठ रहे हैं कि कहीं ये सब चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष की रणनीति में शामिल होने के लिए तो नहीं किया जा रहा। क्या सरेंडर से बचने के लिए केजरीवाल बीमारी की आड़ तो नहीं ले रहे? खैर, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो भी दिमाग लगा रही हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया है। अभी तो केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी फैसला आना बाकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर आफत और बढ़ेगी। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, मैं कमेंट कर जरूर बताएं।